हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे यूपी टीएचटी पीएचटी एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर पार्ट थर्ड। इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग देखेंगे उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप अवश्य बन सकते हैं टीएचटी पीएचटी एलटी ग्रेड शिक्षक एग्री नॉलेज प्लस के साथ। लक्ष्य रखा गया है दोस्तों 115 प्लस स्कोर करने का, साकार करना है सपना शिक्षक बनने का। दोस्तों, ये सीरीज जो भी कैंडिडेट्स यूपी टीएचटी पीएचटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें आवश्यकता अनुसार इमेज को भी मर्ज किया गया है, जिससे कि आप क्वेश्चंस को और उसके सॉल्यूशन को भलीभांत समझ सकें। तो आइए इसी के साथ देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए और भी है। अभी तक के दोस्तों इसकी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर नहीं हो पा रही थी। 25 जुलाई से दोस्तों इसकी क्लास रेगुलर होने की संभावना है, जो कि क्लासें एग्री नॉलेज प्लस चैनल पर ही करवाई जाएंगी, यानी कि इसी चैनल पर दोस्तों इसकी आगे की क्लासेस अभी करवाई जाएंगी। और इसके जो दो पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर बना दी गई है। वहाँ पर जाके दोस्तों आप लोग उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग इसके दोनों पार्ट देख सकते हैं, और भविष्य की जितनी भी क्लासें होंगी उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएंगी। और आइए इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर। फल मक्खी के नर मौत को आकर्षित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? विटावैक्स, मेथाइल यूजिनॉल, ट्राइकोग्रामा, उपरोक्त सभी। आप लोगों को दोस्तों बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को हम बताते हैं इसका राइट आंसर होगा मेथाइल यूजिनॉल का प्रयोग दोस्तों फल मक्खी के नर मौत को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि फल मक्खी जो होती है ये फलों के जो कोमल छिलका होता है दोस्तों उसी के नीचे अपने अंडे देती है, और उसके लार्वा उसी के अंदर डेवलप होते हैं और अंदर ही अंदर फलों को खाते रहते हैं, जिससे कि फल क्या होता है पूर्णतः खराब हो जाता है और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो उसको हम अभी इमेज के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को समझाएंगे कि किस प्रकार से फल मक्खी की यानी कि फ्रूट फ्लाई की लाइफ साइकिल होती है और किस प्रकार से फलों को प्रभावित करती है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कुछ अन्य ऑप्शंस जो दिए गए थे, विटावैक्स, ट्राइकोग्रामा। विटावैक्स दोस्तों जो है ये एक प्रकार का फंजीसाइड है, मुख्यतः इसको दोस्तों प्रयोग जो होता है करनाल बंट, जो वीट में करनाल बंट डिजीज लगती है उसके नियंत्रण के लिए विटावैक्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विटावैक्स से ही गेहूँ के बीज को उपचारित किया जाता है। उसके पश्चात क्या होता है फसल की बुआई की जाती है, जिससे काफ़ी हद तक दोस्तों करनाल बंट पे नियंत्रण पाया जा सकता है। साथ ही साथ बात कर लें ट्राइकोग्रामा की। ट्राइकोग्रामा एक प्रकार का जैविक नियंत्रक है, यानी कि जैविक इंसेक्ट कंट्रोलर है। जहाँ पे जैविक खेती की बात की जाए वहाँ पे अगर ट्राइकोग्रामा की बात ना की जाए दोस्तों तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। ट्राइकोग्रामा एक प्रकार का दोस्तों एक अंड परजीवी होता है, जो कि अपने अंडे शत्रु कीट के अंडों में ही देता है और वहीं पर इसका विकास होता है, जिससे कि शत्रु कीट के जो अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और फसल की रक्षा होती है। ट्राइकोग्रामा जो है ये विश्व भर में दोस्तों इसकी 18 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से बात कर ली जाए तो भारत में मुख्यतः दो प्रकार की इसकी प्रजातियां पाई जाती हैं। एक दोस्तों है ट्राइकोग्रामा कैलुनिस और दूसरी है ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं ट्राइकोग्रामा कैलुनिस, दूसरी है ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम। ट्राइकोग्रामा कैलुनिस जो है दोस्तों इसका मुख्यतः प्रयोग धान में और सब्जियां फलों में कीट नियंत्रण के लिए किया जाता है। वहीं पर ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम की बात की जाए तो ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम का मुख्यतः दोस्तों प्रयोग जो है वो गन्ने में विभिन्न प्रकार की सुंडियों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। दूसरी बात, इसका प्रयोग अरहर में, चने में, फली भेदक के लिए भी इसका प्रयोग दोस्तों किया जाता है। ये एक जैविक नियंत्रक होते हैं जो कि IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत दोस्तों ट्राइकोग्रामा का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है। इनका जो जीवन चक्र होता है ट्राइकोग्रामा का दोस्तों ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि बहुत छोटे जीव होते हैं,
जिनका साइज करीब में 0.4 से 0.8 mm के करीब में होता है और इनकी लाइफ साइकिल जो होती है बहुत छोटी होती है, यानी कि 8 से 10 दिन में दोस्तों ये अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों जब इनका प्रयोग फसलों पर कीटों के नियंत्रण के लिए किया जाता है तो ये बहुत तेज़ी के साथ जो इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या में बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि होती है, जिससे कि ये शत्रु कीट को आसानी से नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये फसलों की विभिन्न प्रकार के कीटों से रक्षा करते हैं। दोस्तों जो ट्राइकोग्रामा होता है, ट्राइकोग्रामा के द्वारा करीब में 200 प्रकार के इंसेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। आइए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर, उससे पहले हम समझ लेते हैं इमेज, आप लोगों को इमेज के माध्यम से बताना था कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे होती है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे समझिए, ये लेग हैं, ये दो सॉरी यहाँ पे ये एग हैं इसके, यहाँ पे एग दिखाए गए हैं। एग का जो साइज है दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं 0.8 mm इनकी लंबाई है और 0.2 mm इनकी वाइड है, यानी कि चौड़ाई है, जो कि आकार में काफ़ी छोटे हैं। और ये अंडे दोस्तों जो फल मक्खी है कहाँ पे देती है, ये फलों की परत के नीचे, यानी जो कोमल परत होती है फल की उसी के नीचे ये अपने अंडे देती हैं और वहीं पे लार्वा का विकास होता है, यानी कि लार्वा यानी माइगोट्स का डेवलपमेंट जो होता है इसी फलों की स्किन के नीचे होता है। उसके बाद जो इसके प्यूपा बनते हैं, प्यूपा जो होते हैं ये मृदा में पौधे के आसपास ही मृदा में ये डेवलप होते हैं। प्यूपा के बाद क्या बनते हैं दोस्तों, एडल्ट बनते हैं। एडल्ट जो होते हैं वो मैटिंग क्रिया करते हैं, मैटिंग के फलस्वरूप यानी कि प्रजनन, मैटिंग के पश्चात दोस्तों क्या होता है, एग लेइंग की प्रक्रिया आती है और ये फलों के कोमल त्वचा के नीचे अपने एग को देते हैं, उसके बाद उनसे फिर लार्वा बनते हैं। इस प्रकार से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है और ये फसलों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। यहाँ पर एक आम की फसल दिखाई गई है और साथ ही साथ ये आप लोग देख पा रहे हैं फल मक्खी दिखाई दी गई है और फल मक्खी जो कि ये फल मक्खी से प्रभावित आम को यहाँ पे दिखाया गया है, किस प्रकार से ये प्रभावित करती हैं। यहाँ पे आप लोग इस इमेज में देख पा रहे हैं ये इसके लार्वा हैं जो कि फल को अंदर ही अंदर खा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डायमंड बैग मोथ निम्न में से सर्वाधिक हानि पहुंचाता है, गांठ गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली। आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो जितनी भी फसलें दी गई हैं सभी कोल क्रॉप हैं, लेकिन इन कोल क्रॉप्स में सर्वाधिक जो प्रभावित होने वाली, यानी डायमंड बैग मोथ से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली क्रॉप कौन सी है वो बताना है आपको, राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी सर्वाधिक प्रभावित होने वाली इसमें क्रॉप कौन सी है, पत्ता गोभी यानी कि कैबेज। ठीक है, डायमंड बैग मोथ के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होने वाली क्रॉप कौन सी है, पत्ता गोभी। आइए इमेज के माध्यम से आप लोग समझिए किस प्रकार से ये डायमंड बैग मोथ जो है ये क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। ये आप लोग देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में दोस्तों ये कैबेज यानी कि प्रभावित कैबेज है और राइट हैंड पे दोस्तों क्या दिखाया गया है, डायमंड बैग मोथ को दिखाया गया है। इस प्रकार ये यहाँ पे क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है और पूर्णतः कैबेज को क्या करता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रभावित होने वाली क्रॉप जो है वो कौन सी कैबेज है जो कि डायमंड बैग मोथ के द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है, 6 से 10%, 15 से 18%, 8 से 13%, 13 से 16%। भदावरी नस्ल की जो भैंस होती है दोस्तों आप लोग को बताना है इसके दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है। आइए दोस्तों हम बता रहे हैं आप लोगों को इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 से 13%, जो कि सभी नस्लों में सर्वाधिक होती है, जो कि सभी नस्लों में सर्वाधिक वसा प्रतिशत किसमें होता है, भदावरी भैंस में होता है, जो कि 8 से 13% तक के होता है। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि भदावरी जो नस्ल की भैंस हैं उनका उत्पत्ति स्थल क्या है, तो इसका उत्पत्ति स्थल आप लोगों को बता दें दोस्तों उत्तर प्रदेश है।
जो इसका नर है नर का उत्पत्ति स्थल स्थल उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो कि इटावा जिले के बाह क्षेत्र में, ठीक है, वहीं पे जो इसकी मादा है, मादा का उत्पत्ति स्थल जो है वो भिंड ग्वालियर है, जो कि कहाँ पे एमपी में है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है भदावरी भैंस के नर का उत्पत्ति स्थल क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका उत्तर प्रदेश होगा। अगर मादा का पूछा जा रहा है तो भिंड ग्वालियर मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कपास के बीज शोधन के लिए क्या सही नहीं है? कपास का जो बीज शोधन दोस्तों किया जाता है, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल के माध्यम से कपास के बीज का शोधन किया जाता है, क्योंकि जो कपास के बीज पर रेशे होते हैं दोस्तों, रेशे होते हैं रेशों को हटाने के लिए भी H2SO4 का प्रयोग किया जाता है और बीज पे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि इसमें आप लोगों को बताना है कि इसका जो गलत ऑप्शन में एक आप लोगों को छाँट के बताना है कि इसका गलत ऑप्शन इसमें से क्या होगा। कपास के बीज शोधन के लिए क्या सही नहीं है? सांद्र H2SO4 77 cc 6 से 12 मिनट, सांद्र HCl 100 cc 15 मिनट, सांद्र H2SO4 120 cc 6 से 12 मिनट और सांद्र HCl 100 cc 15 मिनट। यहाँ पे इसके मतलब सांद्रता की बात की गई है जो 100 cc 120 cc और 100 cc में दिया गया है, वहीं पे इसकी टाइमिंग की बात की गई है 15 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट। तो दोस्तों आप लोग को बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा सांद्र H2SO4 77 cc, ये दोस्तों गलत है, क्या है ये रॉन्ग है, बाकी सभी क्या है सही है। सांद्र HCl से भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है जो कि 100 cc और 15 मिनट के लिए इसको उपचारित किया जाता है, या फिर H2SO4 का जब प्रयोग आप कर रहे हैं तो 120 cc का आपको लोगों को प्रयोग करना है और 6 से 12 मिनट उपचारित करना है, और सांद्र HCl की अगर बात की जा रही है अगर 100 cc का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 15 मिनट इससे उपचारित करना है। दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन सेम हो गए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सांद्र H2SO4 77 cc जो कि 6 से 12 मिनट दिया गया है ये गलत है। अगर HCl प्रयोग कर रहे हैं तो आप लोगों को 100 cc 15 मिनट प्रयोग करना है, यदि H2SO4 सांद्र H2SO4 का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर 120 cc आप लोगों को 6 से 12 मिनट प्रयोग करना है, ठीक है, कपास के बीज शोधन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे गलत बताना था जो कि ए ऑप्शन है वो गलत है। संघनित जीवाश्म खादों का संबंध निम्न में से किससे है? कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का रिलेशन आप लोगों को बताना है इसमें किससे है। जीवाश्म अधिक होता है, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का संबंध आप लोगों को बताना है। जीवाश्म अधिक होता है, इनकी कम मात्रा प्रयोग करनी पड़ती है, अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो जीवाश्म संघनित जीवाश्म खादे होती हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्त, जीवाश्म यानी कि फॉसिल जो होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फॉसिल जो होते हैं संघनित जीवाश्म खादों में फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म अधिक होते हैं और इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी काफ़ी अधिक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म अधिक होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। M9 किसका मूल ग्रंथ है? आम, आंवला, सेब, नींबू। M9 किसका मूल ग्रंथ है आप लोगों को बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आम, आंवला, नींबू या सेब। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा,
आम होगा, आंवला होगा, नींबू होगा या फिर सेब होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों होगा सेब। क्या होगा राइट आंसर इसका होगा सेब। एक मिनट, इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा सेब होगा। M9 मूल ग्रंथ यानी कि रूट स्टॉक जो है किसका है, ये सेब का है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कॉक्सिडियोसिस जो कि प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है किसका प्रमुख रोग है। कॉक्सिडियोसिस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कॉक्सिडियोसिस जो है जो कि प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है ये किसका प्रमुख रोग है। कॉक्सिडियोसिस को दोस्तों खूनी दस्त के नाम से भी जाना जाता है। कॉक्सिडियोसिस जो है इसे खूनी दस्त या खूनी खूनी दस्त, ठीक है। तो ये किसमें होती है, भेड़ में, बकरी में, मुर्गी में, गाय में, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है खूनी दस्त जो है वो किस के द्वारा होती है, तो उसमें प्रोटोजोआ होगा, कवक होगा, वायरस होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को क्या होगा प्रोटोजोआ। यहाँ पे ये दे दिया गया पहले से ही, कॉक्सिडियोसिस जो कि प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है किसका प्रमुख रोग है, भेड़, बकरी, मुर्गी, गाय। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा, मुर्गी। किसका है ये, मुर्गियों का एक प्रमुख रोग है कॉक्सिडियोसिस, जिसे खूनी दस्त के नाम से जाना जाता है। एक दोस्तों और रोग होता है जो कि मुर्गियों में सर्वाधिक होता है, रानीखेत डिजीज, जो कि उत्तराखंड के रानीखेत में सबसे पहले देखी गई थी और उसी के नाम पे उसका नाम रानीखेत डिजीज रखा गया है, जो कि वायरस जनित एक प्रमुख बीमारी है मुर्गियों की, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसमें मुर्गियों का एक डिजीज़ है कॉक्सिडियोसिस, जिसे खूनी दस्त के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार के गेहूं की जाति का बीज प्राप्त किया था। क्या बताना है दोस्तों इसमें, भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार के गेहूं का जो बीज था वो प्राप्त किया था, आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा बौनी जाति का। जो भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से गेहूं के जो बीज प्राप्त किए थे वो किस जाति के थे, वो बौनी जाति के बीज थे। भारत में जो गेहूं के बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन था दोस्तों वो आप लोगों को बता दें नोरिन 10 था। नोरिन 10, ठीक है, जो कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा आइसोलेटेड किया गया था। और गेहूं में दोस्तों और भी जीन होते हैं जो कि बौनेपन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसमें होता है RST1 और RST2, यानी कि रिड्यूस्ड हाइट 1 और रिड्यूस्ड हाइट 2। RST का मतलब होता है रिड्यूस्ड हाइट 1 और रिड्यूस्ड हाइट 2, ये भी गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है, जिसमें से जो रिड्यूस्ड हाइट 2 यानी कि RST2 था वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा आइसोलेट किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो अमेरिका में था वो अमेरिका में नोरिन 10 जीन जो था वो डॉक्टर नॉर्मन इबोलॉग के द्वारा आइसोलेट किया गया था। तो भारत में जो गेहूं के बीज मंगाए गए थे वो बौनी प्रजात के थे, जो कि अमेरिका से इम्पोर्ट किए गए थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हम लोग, ये दशक था 1970 का दोस्तों, और उसी दशक में भारत में हरित क्रांति का आगाज भी होता है, जिसमें कि सर्वाधिक पैदावार गेहूं में ही देखने को मिलती है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है, लैटिन, अरबी, फारसी, ग्रीक, आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मानसून शब्द जो है दोस्तों, मानसून के सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। मानसून का शाब्दिक अर्थ होता है हवाओं का मिजाज। इस समय मानसून का समय भी चल रहा है और इसका अर्थ आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। मानसून का अर्थ होता है
हवाओं का मिजाज, हवाओं का मिजाज। मानसून का अर्थ क्या होता है? हवाओं का मिजाज, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा साउथ वेस्ट मानसून से होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मानसून से होती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। और इसमें राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? मानसून किस भाषा का शब्द है? ये अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है हवाओं का मिजाज। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त मृदा है बलुई दोमट, मटियार दोमट, चिकनी दोमट या चिकनी मटियार दोमट। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बलुई दोमट। मूंगफली की खेती के लिए हल्की मृदाओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। इन हल्की मृदाओं में आलू की खेती है, मूंगफली की खेती है, ये बहुत अच्छी इनकी उपज प्राप्त होती है। और इन्हीं मृदाओं में शामिल है बलुई दोमट मृदा, जिसमें कि मूंगफली की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा होती है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतवर्ष में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु दूरदर्शन प्रसारण कब शुरू हुआ? ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु दूरदर्शन प्रसारण कब शुरू हुआ? 1947 में, 1957 में, 1967 में, 1977 में। ये दोस्तों TGT 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतवर्ष में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु दूरदर्शन प्रसारण कब शुरू हुआ? तो दोस्तों आप लोगों को हम बता दें, इसका राइट आंसर होगा 1967। क्या होगा? 1967। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, भोपाल, कटक, न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा जबलपुर। क्या होगा दोस्तों? जबलपुर। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है दोस्तों? ये है जबलपुर में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर में पाली जाने वाली बकरी की नस्ल है? बीटल, सूरती, मारवाड़ी, बर्बरी। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बर्बरी नस्ल। बर्बरी नस्ल, इस नस्ल की जो बकरियां होती है दोस्तों थोड़ा छोटी होती हैं और इनको बांधकर पाला जा सकता है, इसीलिए सर्वाधिक शहरों में पाली जाने वाली जो बकरी की नस्ल है वो कौन सी है? बर्बरी नस्ल है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। माइक्रोफोमिना फेजियोलाई रोग कारक है चारकोल विघलन का, ग्रेन स्मट का, काला किट का या ग्रीन ईयर का। माइक्रोफोमिना फेजियोलाई रोग कारक है चारकोल विघलन, ग्रेन स्मट,
काला किट या ग्रीन ईयर? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, माइक्रोफोमिया फेजियोलाई, जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, ये क्या है, सोयाबीन में लगने वाला चारकोल रॉट है। चारकोल रॉट है जिसे चारकोल बिगलन भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे बात कर लें हम लोग ग्रेन स्मट की, तो माइक्रोफोमिया फेजियोलाई जो कारक है किसका है, सोयाबीन में लगने वाले चारकोल रॉट का। ग्रेन स्मट की बात की जाए, ग्रेन स्मट दोस्तों जो कि ज्वार में लगने वाला एक प्रमुख रोग है, ग्रेन स्मट जो कि इस फैसलो थेसिया सॉर्गी, इस फैसलोथेसिया रोग कारक है ग्रेन स्मट का। काला किट की बात कर लीजिए दोस्तों, गेहूं में जो काला किट लगता है उसका रोग कारक कौन सा है, पक्सिनिया ग्रेमनिस ट्रिटिसाई, पक्सिनिया ग्रेमनिस ट्रिटिसाई। जो कि काला किट है, ये किस में लगता है, गेहूं में। ग्रीन ईयर की दोस्तों बात कर ली जाए, जो कि जिसे हरित बाल के नाम से भी जाना जाता है, ये बाजरे में लगने वाला प्रमुख रोग है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला जो कि बाजरे में लगने वाला प्रमुख रोग है, जिसे हरित बाल के नाम से भी जाना जाता है, इसका रोग कारक है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमनिकोला। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चारकोल बी गलन, यानी कि चारकोल रॉट। गाय को 2.5 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन पर कितने किलोग्राम दाना दिया जाना चाहिए, 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 500 ग्राम या 1 kg, यानी कि 1 किलोग्राम आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 1 किलोग्राम। क्या होगा, डी, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। गाय को 2.5 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन पर एक किलोग्राम दाना, ठीक है, वहीं पे भैंस में 3 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना दिया जाना चाहिए। वहीं पे शुष्क पदार्थ की बात कर ली जाए दोस्तों, जो पशुओं को शुष्क पदार्थ है वो सामान्यतः कितना दिया जाता है, 100 किलोग्राम शारीरिक भार पर 2.5 किलोग्राम शुष्क पदार्थ जो है, ये जिसमें कि हरा चारा और भूसा दोनों शामिल होते हैं, दिया जाना चाहिए। वहीं पे जीवन निर्वाह के लिए दोस्तों, जो दाने की बात की जाती है, जीवन निर्वाह के लिए 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना जीवन निर्वाह के लिए पशुओं को दिया जाना चाहिए। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वर्षा उपहार किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है, शिमला मिर्च, टमाटर, लौकी, भिंडी। वर्षा उपहार पूछा गया दोस्तों, ये किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है, शिमला मिर्च, टमाटर, लौकी, भिंडी। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा भिंडी। क्या होगा, लेडी फिंगर, यानी कि भिंडी, राइट आंसर हो जाएगा डी, वर्षा उपहार जो है भिंडी की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सोयाबीन से संबंधित सही सुमेलन नहीं है। यहाँ पे कुछ साइड में कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उसके साइड में उसकी मात्रा दिखाई गई है, इसमें बताना है आप लोगों को कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तेल जो होता है सोयाबीन में दोस्तों 20-22% होता है, ये बिल्कुल सही है। प्रोटीन की बात की जाए 40-42% होता है, ये भी सही है। उत्पत्ति स्थान इसका चीन है, यानी कि इंडो चाइना है, ये भी सही है। और भारत में जो इसका आगाज़ हुआ था, भारत में कहाँ से आई थी, ये चीन से ही भारत में इसका आगमन हुआ था, ठीक है। और शिलाजीत इसकी जो वैरायटी है काफ़ी महत्वपूर्ण वैरायटी है, उसके उत्पादन की यहाँ पे बात की गई 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। दोस्तों यही सही नहीं है, क्योंकि शिलाजीत जो है वैरायटी की इसके उत्पादन जो है ये सही नहीं है। शिलाजीत वैरायटी का उत्पादन जो है शिलाजीत वैरायटी का उत्पादन कितना है, शिलाजीत वैरायटी का उत्पादन कितना है, ये 20-25 क्विंटल पर हेक्टेयर है, जो कि यहाँ पे 34 क्विंटल पर हेक्टेयर दिया गया है, इसलिए ये सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सोयाबीन को दोस्तों किंग ऑफ लेग्यूम के नाम से भी जाना जाता है, किंग ऑफ लेग्यूम, और जेवल क्रॉप के नाम से भी सोयाबीन को जाना जाता है। टिक और माइट वास्तव में होते हैं कीट, बहुपाद, मकड़ीवंशी, क्रस्टेशियाई। टिक और माइट जो होते हैं वास्तव में कीट होते हैं, बहुपाद होते हैं, मकड़ीवंशी होते हैं, क्रस्टेशियाई होते हैं। अब लोग बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों हम आप लोग को बता दें इसका राइट आंसर क्या होगा, मकड़ीवंशी। ये किससे बिलोंग करते हैं, मकड़ी के ही वंश से बिलोंग करते हैं। मकड़ियाँ जो होती हैं इनमें कितने जोड़ी पैर पाए जाते हैं दोस्तों, 4 जोड़ी। मकड़ी ठीक है, मकड़ी में 4 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, ठीक है। ये इसी के अंतर्गत दोस्तों टिक हैं और माइट भी इसी में शामिल किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्रस्टेशियाई, क्रस्टेशियाई में दोस्तों कौन कौन शामिल होते हैं, जैसे केकड़ा है, केकड़ा, झींगा जो होता है, ये सभी क्रस्टेशियाई में शामिल किए गए हैं। कीट तो आप लोग जानते ही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मकड़ीवंशी। टिक और माइट जो होते हैं ये किसमें शामिल किए गए हैं, मकड़ीवंशी, यानी कि ये मकड़ी के वंश से ही बिलोंग करते हैं। अरहर का बंझा रोग के कारण होता है, जीवाणु, विषाणु, कवक और माइकोप्लाज्मा। दोस्तों आप लोग बताना है ये किसके कारण होता है, अरहर का बंझा रोग, जिसे कि स्लटी ऑफ मोजैक के नाम से भी जाना जाता है, स्लटी ऑफ मोजैक, पिजन पी स्लटी मोजैक वायरस, PPSMB। कई बार एग्जाम में पूछा गया PPSMB क्या है, पिजन पी स्लटी मोजैक वायरस इसका पूरा नाम है। और दोस्तों आप लोग बता दें जो स्लटी मोजैक डिजीज लगती है अरहर में, यानी कि जिसे बांझ रोग भी कहा जाता है अरहर का, ये किसके कारण होती है, PPSMB के कारण ही होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो इसमें तो वैसे दोस्तों पौधों पे पुष्प निकलते ही नहीं, यदि पुष्प निकलते भी हैं तो उनके द्वारा क्या होता है, पॉड का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, यानी कि उसमें निषेचन ही नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो पुष्प होते हैं वो सूख जाते हैं और वो पौधा बांझ रह जाता है। पौधों की पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और साथ ही साथ जो पौधा होता है बिल्कुल छोटा सा रहकर, यानी कि बौना सा हो जाता है। और इस प्रकार से ये रोग जो होता है, यानी कि वायरस जो होता है, ये पौधों को प्रभावित करता है। तो इसका कारक क्या हो जाएगा दोस्तों, विषाणु। क्या हो जाएगा, विषाणु, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, बी। अरहर का बंझा रोग यानी कि स्लटी या मोजैक, पिजन पी स्लटी मोजैक वायरस, जो कि SMD स्लटी मोजैक डिजीज के नाम से जाना जाता है अरहर का, ठीक है। ये विषाणुओं के द्वारा फैलता है, इसके द्वारा अरहर का पौधा बांझ रह जाता है। नेक्स्ट,
भेड़ की सर्वाधिक दुग्ध देने वाली नस्ल कौन सी है? भेड़ की सर्वाधिक दुग्ध देने वाली नस्ल कौन सी है? लोही, गुरेज, बीकानेरी, चोकला। लोही, गुरेज, बीकानेरी, चोकला। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भेड़ की जो सर्वाधिक दुग्ध देने वाली नस्ल कौन सी है? यह लोही। लोही नस्ल जो है भेड़ की दोस्तों, ये सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करती है। और वहीं पे बात कर लें हम बीकानेरी और चोकला की। बीकानेरी और चोकला की बात कर लें तो ये ऊन उत्पादन के लिए उपयुक्त नस्लें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ पे है? हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी दोस्तों बताना है आप लोगों को कहाँ पे है। लखनऊ, भोपाल, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा भोपाल। कहाँ पे? भोपाल, मध्य प्रदेश। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ पे? भोपाल, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनार की व्यावसायिक प्रसार विधि कौन सी? सील्ड कलिकायन, कलम, एयर लेयरिंग, बडिंग, कलिकायन। आप लोग बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर दोस्तों होगा कलम। अनार की जो व्यावसायिक प्रसार विधि है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कलम विधि का प्रयोग किया जाता है। बेर में जो होता है, बेर में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली प्रसार विधि कौन सी है? बेर में वो बडिंग कलिकायन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन का बीएचपी प्रदर्शित करता है। सिलेंडर में शक्ति, फ्लाई व्हील में शक्ति, फ्रिक्शनल शक्ति, पीटीओ, पुली पर शक्ति। दोस्तों बीएचपी यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर बीएचपी का पूरा मतलब होता है ब्रेक हॉर्स पावर। एक होता है आईएचपी। दो चीजें होती हैं दोस्तों, इंडिकेटेड हार्स पावर, जिसमें से ब्रेक हार्स पावर जो बीएचपी जो दो ये होता है दोस्तों, इंजन का बीएचपी जो होता है ब्रेक हार्स पावर, ये पीटीओ पुली पर शक्ति को प्रदर्शित करता है। पीटीओ पुली पर जो शक्ति को प्रदर्शन जो होता है वो कौन करता है? बीएचपी, ब्रेक हार्स पावर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में, ये दोस्तों आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। गेहूं में करनाल बंट की रोकथाम के लिए बीज शोधन हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली रसायन है? बीएससी, एग्रोसेन जीएन, विटावैक्स, कैप्टान। दोस्तों ये पिछली क्लास में कराया गया क्वेश्चन है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। तो यदि सेशन दोस्तों आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं तक, आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और जानदार शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।